तो आज गाइस मैं टोक्यो का आइस्ड लेमन जो है वो चेक करूंगा, इसको ट्राई करेंगे आज। तो आर्गस जी के अंदर जो है आज यूज करेंगे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है आर्गस जी की वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है वीडियो। ट्राई करते हैं फ्लेवर। जिन्होंने लेमन स्टेप्सिल खाई हुई है सेम वही टेस्ट आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, 110% स्टेप्सिल का टेस्ट है। या मेरे ख्याल से आप लेमन वाली कोई भी कैंडी ले लें जो इतनी ज़्यादा शुगरी ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा शुगरी नहीं है और ना इतना ज़्यादा फ्रीजीनेस है इसके अंदर, नॉर्मल फ्रीजीनेस है, नॉर्मल शुगर है। मेरी रिकमेंडेशन आपको यह है कि अगर आप इसको ट्राई करना चाह रहे हैं लेमन को, तो आप किसी भी अच्छी वेब शॉप से एक दफ़ा फिल करवा के ट्राई कर लें, इसको पूरा ना खरीदें, ये आपसे पूरा यूज़ नहीं होगा। मैंने भी इसको मेरे ख्याल से प्रॉब्ली 2 दफ़ा फिल करके यूज़ किया है। लॉन्ग डे के लिए मेरे ख्याल से ये मज़ेदार नहीं रहता, मेरे टेस्ट बुरा नहीं है। या मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ इसको 1 टाइम फिल करके यूज़ करके चेक कर लें, पूरी बोतल ना खरीदें।